हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा सामान के लिए मसाले, जैसे भरवा भिंडी है, भरवा करेला है, भरवा तरोई है। इनके लिए मसाले बनाने जा रहे हैं। सौंफ हमारी 20 ग्राम, धनिया 20 ग्राम, 5 ग्राम कलौंजी, 5 ग्राम जीरा, 5 ग्राम ये है हमारी मेथी। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए, हमने कढ़ाई चढ़ा दी है अपनी, और अब हम इसमें इसको गर्म हो जाने देंगे, प्री हीट होने देंगे। उसके बाद में हम डालेंगे मेथी दाना, क्योंकि मेथी दाना को भूनने में टाइम लगता है, इस वजह से मेथी दाना पहले डालेंगे। ये देखिए, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई। अब इसमें मेथी दाना डालेंगे। अब इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। हम मसालों को एक में इसलिए नहीं भूनते क्योंकि कोई मसाला जल्दी भूनता है और कोई धीम मतलब लेट में भूनता है। अब जैसे आप मेथी है, मेथी दाना वो थोड़ा देर तक भूनने पर भूनती है, जल्दी नहीं भूनती है। इस वजह से मेथी दाने को देर तक भूनना पड़ेगा। ये देखिए, हमारी मेथी दाना भूनने लगा है, इसमें महक आने लगी है। ये देखिए, हमारा मेथी दाना हो गया है। इसको हम किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, इसको भूनेंगे। ये देखिए, हमारा जीरा भी भून चुका है, इसको भी हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, अब हम भूनेंगे सौंफ, सौंफ को भी भून लेंगे। देखिए, मेथी और कलौंजी हमारी कड़वी होती है, इस वजह से हमें सौंफ है, धनिया है, इसकी मात्रा ज़्यादा करके लेनी होती है, जिससे कि हमारे सब्जी में कड़वाहट थोड़ा कम हो जाए, इसका मीठा सौंफ का मीठापन आ जाए, इससे मसाले अच्छे लगे। ऐसे भून चलाते हुए इन्हें भूनेंगे और लो फ्लेम पर भूनेंगे, जिससे कि ये मसाले जले नहीं। ये देखिए, हमारी सौंफ भी लगभग भुनने वाली है, इसमें से भी स्मेल बहुत अच्छी आने लगी है। इसके बाद धनिया भुनेंगे। ये देखिए, हमारी सौंफ भी भुन गई है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे ताकि ये हल्की ठंडी हो जाए। अब ये देखिए, अब हम धनिया भूनने वाले हैं। ये देखिए, देखिए सभी मसालों में धनिया हमारी सबसे जल्दी ड्राई रोस्ट होती है, और मसालों को टाइम लगता है थोड़ा सा भुनने में, धनिया हमारी जल्दी हो जाती है। सब मसालों के अकॉर्डिंग धनिया जल्दी होती है। देखिए, हमारी धनिया लगभग होने लगी है। अब इनको भी हम अलग बर्तन में शिफ्ट करेंगे ताकि अब थोड़ी देर के लिए ये ठंडे होंगे, फिर हम मसालों को भुनेंगे। सॉरी, मतलब थोड़ी देर के लिए ठंडे हो जाएंगे, फिर इनको हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पाउडर बना लेंगे, तो ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हमारी धनिया हो गई है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, हम अपना गैस बंद कर रहे हैं। अब इसको हम अलग निकाल लेंगे जल्दी से। ये हमने अलग बर्तन में शिफ्ट कर लिया है, और हमारे पास कलौंजी जो थी वो पिसी हुई थी, ठीक है, तो इसको इसी कढ़ाई में हम ऐसे ही डाल देंगे, क्योंकि इसमें हम वो नहीं डालेंगे, इसको भूनेंगे नहीं, गरम कढ़ाई में ही डाल देंगे, ये हमारी भुन जाएगी। देखिए, भुन गई हमारी इतनी जल्दी, क्योंकि कलौंजी पिसी हुई है, अगर खड़ी होती तो इसको टाइम लगता भुनने में।
बस इतनी देर में ये भुन जाएगी, और इसको दूसरे बंद फ्लेम पर ही, कढ़ाई गर्म है इस वजह से, ठीक है। और सारे मसाले, अगर आपके पास खड़े मसाले नहीं हैं तो आप इसी तरह से कढ़ाई को गर्म करके हल्की फ्लेम पर बिल्कुल भून लेंगे। भूनने के बाद में एक में ही मिक्स करके रखेंगे, क्योंकि ये भून पिसे हुए मसाले होते हैं ये जल्दी जलने लगते हैं। अब वैसे तो आपके लिए सबके लिए यही बेस्ट है कि आप खड़े मसाले लाएं और खड़े मसाले ही भून के मतलब पीसें, क्योंकि खड़े मसालों का जलने का डर कम रहता है और जो पिसे मसाले होते हैं उनका जलने का डर ज़्यादा रहता है, वो जल्दी जल जाते हैं क्योंकि वो पिसे हुए होते हैं। अब इसको भी देखिए हम शिफ्ट कर लेंगे, नहीं तो ये हमारी जल जाएगी। ये देखिए इसको भी हमने शिफ्ट कर लिया है, ये भून चुका है हमारा। अब हम मसालों को पीसने की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमने अपना सारा ग्राइंडर में भर लिया है और उसकी लिड लगा के मसाला बंद कर देंगे, और अब हम इसको मिक्सी को ऑन करेंगे। एक बार हम खोल के देख लेंगे कि हमारा मसाला पूरा ग्राइंड हुआ है या नहीं। ये देखिए हमारा मसाला कुछ इस तरह से अभी कुछ हल्का मोटा है, इसको और बारीक करेंगे। फिर हम बंद करके देखेंगे इसको कि हमारा हो गया है मसाला या नहीं। और आप देखिए पाउडर फाइन तो हुआ है मगर उतना फाइन नहीं है जितना फाइन हमको ज़रूरत है, तो इसको हम अभी और चलाएंगे, ठीक है। ये देखिए अब हमने हिला दिया इसको, फिर से हम सारा कुछ फिर से पीसेंगे। ये देखिए हम अब इसको इस तरह से छान लेंगे, तो जिससे कि महीन होगा हुआ होगा जो वो सारा हमारा छन जाएगा, जो मोटा मोटा रह जाएगा उसको हम फिर से पीस लेंगे ग्राइंडर में। ये देखिए लगभग हमारा ऑलमोस्ट पीस चुका है मसाला। ये देखिए एक बार और हम ये डाल के पीस लेंगे। ये देखिए हम घर में जैसे बनाते हैं वैसे तो मसाला हमारा बन गया है, बट हमें मार्केट जैसा महीन मसाला चाहिए। अगर तो अगर महीन वाली छलनी नहीं है हाँ मसाला छानने के लिए, तो इस तरह से जाजट का एक दुपट्टा या कोई चीज़ कपड़ा हो वो बांध लेंगे एक बड़े बर्तन में, उस पर ये मसाला छानेंगे। अब देखिएगा हम कैसे छानते हैं ये मसाला। ऐसे मसाले को ट्रांसफ़र किया, ये देखिए ठीक है। और जो हमारी पिसी हुई कलौंजी थी वो भी हम इसी में मिला लेंगे, जिससे कि हमारा सारा मसाला एक में मिक्स होके छने, जिससे कि एक जैसा लगे। ये देख लिए हमने कलौंजी भी इसी में डाल ली हुई है अपनी। अब ऐसे ऐसे हल्के हाथों से हिलाते हुए हम इसको छानेंगे कपड़े से। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास चलनी नहीं होती है छानने वाली, महीन चलनी, बारीक चलनी नहीं होती है, तो हम कपड़े के माध्यम से भी ऐसे छान सकते हैं। हम आपको दोनों तरीके बताते हैं, चलनी भी आपको हमने दिखाई थी और अब हम कपड़े की माध्यम से भी बता रहे हैं कि ऐसे हम छान सकते हैं महीन करके। ये देखिए और हमारी जो कलौंजी पिसी हुई थी और सारा मसाला था वो सब एक में ही मिक्स हो जाएगा, हमको मिलाना नहीं पड़ेगा उसको। ये देखिए नहीं बने तो ऐसे ढीला कर लीजिए कपड़ा और ऐसे ऐसे करके हिला दीजिए, जैसे चलनी नहीं हिलाते आप, बस वैसे हिलाना है, हिला दीजिए आराम से आपका सारा छन जाएगा, ठीक है। अब हम छान लेते हैं इसको, फिर हम आके आपको आपसे मिलते हैं।
ये देखिए हमने छान लिया था, जो हल्का मसाला जो मसाला हमारा बचा था मोटा था वो हमको उसको हम फिर से पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा फाइन मसाला मिल गया है हमको, ठीक है। अब ये हम भरकर एक डिब्बे में रख लेंगे। जब भी कोई भरवा चीज़ बनाई, जैसे भरवा भिंडी है, भरवा करेला है, भरवा तरोई है, तो उसमें हमें यही मसाला काम आएगा, इसी मसाले का हम प्रयोग में लाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।